तेलंगाना में चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी डोसा बनाते हुए नजर आए। कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने तेलंगाना पहुंचे राहुल गांधी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। राहुल गांधी ने तेलंगाना के जगतियाल जिले में सड़क किनारे एक दुकान में डोसा बनाया। राहुल ने डोसा बनाने के बाद सड़क किनारे बैठकर उसे लोगों के साथ खाया और उनका हालचाल भी पूछा। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। निठारी हत्याकांड का आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल से रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा पुलिस सबूत देने में असफल रही, जिसकी वजह से मोनिंदर सिंह पंढेर को दोष मुक्त करार दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रैपिड रेल स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई और इसी के साथ देश की पहली रैपिड रेल पटरी पर दौड़ पड़ी। बताया गया कि भारत की पहली रैपिड रेल को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा, जिसका उद्घाटन करने आज पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद में रैपिड रेल स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर देश की पहली रैपिड रेल सजी धजी सफर करने को तैयार खड़ी थी, जिसने पीएम के हरी झंडी दिखाते ही रफ्तार पकड़ ली। इस दौरान पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। साहिबाबाद रैपिड रेल स्टेशन से पायलट ट्रेन को रवाना करने के बाद पीएम मोदी खुद भी देश की पहली रैपिड रेल के पहले यात्री बने। पीएम मोदी ने यूपीआई से ट्रेन का टिकट खरीदा और उन्होंने बच्चों के साथ नमो भारत ट्रेन में सफर किया। इस सफर के दौरान पीएम मोदी ने ट्रेन के चालक दल, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, और छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रैपिड रेल के प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता वाले सेक्शन का उद्घाटन करने के बाद साहिबाबाद में जनता का अभिवादन किया और नमो भारत को देश की आर्थिक ताकत का प्रतीक कहा। पीएम मोदी ने कहा कि इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल की कायाकल्प का दशक है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। और जनता को इस गारंटी पर पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया। और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। रैपिड रेल को आर्थिक कॉरिडोर के रूप में ही नहीं बल्कि आने वाले चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर नमो भारत ट्रेन से जुड़ने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने रैपिड रेल के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की नींव रखी थी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ रैपिड रेल का नेटवर्क देश के दूसरे राज्यों में भी फैलेगा, लेकिन फिलहाल नमो भारत का मेरठ से दिल्ली तक का पूरा कॉरिडोर जून 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद मेरठ से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी। पूरी तरह बन जाने के बाद रैपिड एक्स का कुल रूट 82 किलोमीटर लंबा होगा। 82 किलोमीटर लंबे रूट पर कुल 25 स्टेशन होंगे। इस प्रोजेक्ट पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी जो पहला फेज है वो शुरू हो रहा है साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। 17 किलोमीटर का इस वक्त वो डिस्टेंस होगा, लगभग 13 से 14 मिनट लिए जाएंगे। रैपिड एक्स में कुल 6 कोच होंगे, इनमें एक प्रीमियम कोच होगा और 5 स्टैंडर्ड कोच होंगे। जैसा कि नाम से ही साफ है, प्रीमियम कोच में चलने वाले लोगों को ज्यादा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन प्रीमियम कोच में सफर करने के लिए लोगों को किराया भी ज्यादा चुकाना होगा। इस ट्रेन में एक खास कोच होने वाला है। इस वक्त जो सीट्स हैं, वो सीट्स में कुछ अलग खास कुशनिंग की गई है। इस प्रीमियम कोच में पैर रखने के लिए जो भी खास तरह से जो इस वक्त स्टैंड दिया गया है, जो किराया होगा कुछ अलग होगा, ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए, धूप आ रही है, तो ये इस वक्त जो शील्ड है उसको भी आप डाउन कर सकते हैं। स्पीड और सुविधाओं के मामले में रैपिड एक्स को मेट्रो से भी बेहतर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक नमो भारत को भविष्य में दिल्ली से हरियाणा और दिल्ली से राजस्थान के रूट पर भी चलाने की योजना है।
नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। नमो भारत 60 मिनट में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। अभी मेरठ पहुंचने में 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। इस ट्रेन के चलने के बाद ये सफर 35 मिनट में पूरा होगा। नमो भारत में कुल 6 कोच होंगे और पूरी ट्रेन में 400 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम होगा। आरामदायक सीट, सामान रखने के लिए रैक के साथ साथ मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा ट्रेन में एसी, वेंटिलेशन और ऑटो लाइटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी हैं। हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, जिसमें एक सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेगा। इसके अलावा हर कोच में 10-10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। प्रीमियम कोच का न्यूनतम किराया 40 रूपए होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए प्रीमियम कोच के यात्रियों को 100 रूपए चुकाने होंगे। वहीं स्टैंडर्ड कोच का न्यूनतम किराया 20 रूपए होगा। साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए स्टैंडर्ड कोच के यात्रियों को 50 रूपए देने होंगे।